नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा। और आइए अब नजर डालते हैं आज की अपडेट्स पर। सादुलपुर में आज तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में टिड्डियों के आतंक से खराब हुई फसलों को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर पीड़ित किसानों को मुआवजा देने की मांग की। इस दौरान पूर्व सांसद राम सिंह कस्वा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि किसानों ने कर्ज लेकर कपास, मूंग, मोठ, बाजरा व ग्वार आदि की फसलों की बुआई की थी, लेकिन टिड्डी दल ने उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। वहीं इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने रोष जताते हुए कहा कि भारत सरकार की ओर से टिड्डी नियंत्रण के लिए इंग्लैंड से भेजी गई मशीनों का भी उपयोग अभी तक नहीं किया जा रहा है। आज हमारी मुख्य मांग हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की, जो राजस्थान लेवल पर है, थोड़ी जिले लेवल पर है, टिड्डी नियंत्रण के लिए। टिड्डी नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने हेलीकॉप्टर, इंग्लैंड की मशीनें प्रावधान किया गया है। और जब भी जिले में आवश्यकता है, जो SDM साहब या विकसित अधिकारी मांगेंगे उनके साथ देने काम करेंगे, ये व्यवस्था है। तो इसके लिए प्रभावी कार्रवाई की जाए। किसान बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत प्रयास कर रहा है, उड़ाने की कोशिश कर रहा है, कोई मतलब जितना हो सकता है, लेकिन टिड्डी पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पाया है, इसलिए हमने ज्ञापन दिया है। दूसरी मांग क्या है कि पहली बार भारत सरकार ने इसको शामिल किया है, इसमें राहत देने के लिए किसान को टिड्डी के नुकसान को, तो उसके लिए गिरदावरी आवश्यक है। SDM हेडक्वार्टर, कलेक्टर, जिला कलेक्टर महोदय, राजस्थान सरकार लिस्ट भेजेगी भारत सरकार को, और उसी के बेस पर इनको मुआवजा मिलेगा। उधर राजस्थान सरकार भी मुआवजा देती है, वो भी इसी बेस पर मिलेगा। तो हमारी दो मांगे हैं, टिड्डी पर नियंत्रण कीजिए और दूसरा इसको गिरदावरी जल्द जल्द की जाए। वहीं जिला मुख्यालय पर भी आज भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अभिषेक चौटिया के नेतृत्व में पानी, बिजली व टिड्डी दल की समस्या के समाधान को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गढ़ चौराहे पर पुतला जलाकर विरोध प्रकट किया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष चोटिया ने बताया कि बार बार ज्ञापन देने व इन समस्याओं के निस्तारण हेतु अपील करने पर भी प्रशासन की नींद नहीं खुल रही है, जिसके चलते आम जनता पानी बिजली की विकट समस्या से ग्रसित हो रही है। वहीं जिले के किसानों के खेतों में बार बार टिड्डी दल के आक्रमण से उनकी फसल चौपट हो रही है, परंतु प्रशासनिक उपेक्षा के कारण ना तो टिड्डियों के खात्मे के लिए कोई कदम उठाया जा रहा है और ना ही किसानों को अब तक हुए नुकसान का मुआवजा दिया जा रहा है। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भारतीय जनता युवा मोर्चा चूरू इकाई द्वारा पुतला दहन किया गया है। पुतला जलाने के पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि राजस्थान की सरकार 7-स्टार होटल के अंदर क्वारंटाइन है, उसको राजस्थान की जनता से कोई लेना देना नहीं है। चूरू जिले के अंदर 2500 हेक्टेयर के अंदर टिड्डी दल आया हुआ है, उसने पड़ाव डाला हुआ है, किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। दूसरी ओर अशोक गहलोत ने वादा किया था अपने घोषणा पत्र के अंदर कि 5 साल तक किसी प्रकार की बिजली की दरें नहीं बढ़ाई जाएगी, लेकिन अभी के बिलों के अंदर स्थायी शुल्क बढ़ के आ रही है, अघोषित बिजली कटौती चल रही है, पानी की सप्लाई प्रॉपर नहीं है। इन सब मुद्दों को लेकर आज हमने अशोक गहलोत का पुतला जलाया है और युवा मोर्चा ने हल्ला बोला है कि आप होटल से बाहर आइए, होटल से बाहर आइए, जनता की सुध लीजिए, जो जनताओं को समस्या आ रही है उनका निराकरण कीजिए। आपको जनता ने वोट सरकार चलाने के लिए, जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए दिया था, न कि 7-स्टार होटल के अंदर क्वारंटाइन होने के लिए। एक तरफ कोरोना के अंदर हर दिन आज 1000 से ऊपर पेशेंट आ रहे हैं, लेकिन उनको इस महामारी के ऊपर भी कोई चिंता नहीं है और वो अपने सरकार बचाने में लगे हैं, किसानों को आत्महत्या करने पर जोर दिया। चूरू मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर में आज दर्जनों गांवों से आए किसानों ने भी टिड्डी दल से हुए नुकसान को लेकर विरोध प्रकट किया। वह जिला कलेक्टर को मुआवजे की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर तहसील के विभिन्न गांव में हुए नुकसान से भी अवगत कराया और साथ ही मांग की कि तहसीलदार व पटवारी से सर्वे कराकर खराब हुई फसलों का किसानों को मुआवजा दिलवाए। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। साहब, 4-3 दिन से 23-24-25 तारीख को टिड्डी का पड़ाव रहा है, खिवासर, कोटवाद, डिब्बा, कोटवाद नाथथान और कांदवासी की रोई में। इसके जो नुकसान के लिए, भरपाई के लिए हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए। चूरू में आज चिकित्सा विभाग की टीम ने ADR सेंटर में न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों व अभिवक्ताओं के COVID-19 की जांच के लिए सैंपल लिए। BCMO डॉक्टर एहसान गोरी ने बताया कि ADR सेंटर में कुल 44 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए चूरू मेडिकल कॉलेज भेजे गए हैं। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राजेश कुमार दड़िया सहित अनेक अधिकारी व कार्मिक मौजूद रहे।
जी आज सैंपलिंग का कार्य चिकित्सा विभाग के द्वारा एडीआर सेंटर के अंदर चल रहा है, जिसके अंदर न्यायिक अधिकारी कर्मचारियों की जांच की जा रही है। अभी तक कुल 25 लोगों की जांच हो चुकी है। अभी जो अधिवक्ता का जो एक बैच बनाया है वो बैच आ रहा है, 19 लोगों की उनकी भी जाँच करी जाएगी। धन्यवाद। मैंने राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार और माननीय जिला सेशन न्यायाधीश और अध्यक्ष जिला विशिष्ट अपराधी जिन के निर्देशानुसार पूरे जिले के मुख्यालय के न्यायिक कर्मचारियों के और अधिवक्ताओं के बैच बनाए गए और उस बैच को बैच में 20-25 लोगों के बैच बनाए गए, जिससे न्यायालय का और प्राधिकरण का काम भी सफर नहीं हो। जिला मुख्यालय पर आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिले में महिलाओं के साथ हो रही गैंगरेप की घटनाओं में अपराधियों की गिरफ्तारी को मांग को लेकर अधीक्षक से मुलाकात की। इस दौरान निवर्तमान जिला प्रमुख हरलाल सहारण, पूर्व जिला अध्यक्ष वसंत शर्मा व वासुदेव चावला सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद थे। जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। राजगढ़ और छापर में जो घटनाएं हुई है, जो लोम से घटना हुई है, साधुपुर में एक दलित बच्ची के साथ जिस प्रकार सामूहिक बलात्कार और उसके बाद में उसने आत्महत्या की, और अपराधियों को बचाने में स्थानीय विधायिका श्रीमती कृष्णा पूनिया जी लगी हुई है और उनके कृपा पात्र श्री डिप्टी साहब श्री राम प्रताप जी बिश्नोई भी लगे हुए हैं। हमने इसकी मांग की है कि जांच हो और जो जांच में दोषी हो वो पकड़े जाएँ और किसी भी राजनीतिक दबाव में किसी दोषियों को बख्शा नहीं जाए। इसी प्रकार कल छापर में एक नाबालिग बच्ची के साथ उसको शराब पी के नशीला पदार्थ खिला के उसके साथ जो दुष्कर्म हुआ है उसके दोषियों को भी सजा मिले, इसके लिए माननीय उपनेता प्रतिपक्ष राठौड़ साहब ने हमारे जिला प्रमुख के नेतृत्व में एक टीम का गठन करके एसपी साहब से बात करके हम सबको भेजा कि इस बारे में बात करें, ज्ञापन दें और दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं की गई तो भारतीय जनता पार्टी पूरे जिले में इसके लिए आंदोलन करेगी। जिले के राजगढ़ पंचायत समिति के धानोड़ी बड़ी गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना में योग्य लाभार्थियों को वंचित कर मनमर्जी से आवंटन का आरोप लगाते हुए आज ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम सुनील शर्मा को एक ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय नायक महासभा के जिला अध्यक्ष रामेश्वर लाल नायक के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में गाँव के अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। धानोटी गाँव राजगढ़ तहसील में धानोटी गाँव है, जहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब जनता को आवास आवंटन किए जाते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी अनियमितता होने के कारण गरीब परिवार को आवंटन से वंचित रखा गया है, जबकि धनाढ्य लोग हैं उनको ये इसमें शामिल किया गया है। इस बारे में हमने कलेक्टर जिला कलेक्टर महोदय से भी पहले मुलाकात की, उन्होंने जांच कमेटी नियुक्त की है, लेकिन जाँच कमेटी भी उन्हीं लोगों को लगाया गया है जिनकी हम शिकायत कर रहे हैं। अतः हम आज दोबारा ATM साहब से मिलने आए हैं कि जांच कमेटी में निष्पक्ष अधिकारी को लगाया जाए और निष्पक्ष अधिकारी जांच करें ताकि गरीब जनता को लाभ मिल सके और जो धनाढ्य व्यक्ति है उनको सूची में सम्मिलित किया गया है उनको वंचित किया जा सके। रामेश्वर प्रसाद नायक, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय नायक महासभा, जिला इकाई चूरू। चूरू में आज भारतीय मजदूर संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन के अध्यक्ष नत्थु सिंह के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई है कि राज्य परिवहन निगम व उद्योगों की समस्या के निराकरण हेतु उन्होंने पहले भी ज्ञापन दिए हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी को लेकर आज उन्होंने दोबारा प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। हमारी केंद्रीय कार्य समिति के द्वारा पिछले दिनों 5 सूत्री मांग पत्र केंद्र सरकार को माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रस्तुत किया गया था। प्रधानमंत्री जी के द्वारा उस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं करने के कारण केंद्रीय कार्य समिति ने ये निर्णय लिया कि सरकार जगाओ सप्ताह का अभियान एक चालू किया गया जो 24 से 30 तक चल रहा है। वो 5 सूत्री कार्यक्रम के संदर्भ में राजस्थान प्रदेश से परिवहन और बिजली और सर्व शिक्षा अभियान का जो ज्ञापन है वो मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को जा रहा है। वक्त हो चुका है एक अंतराल का। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य सुधारना तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप से 12th इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर की अत्याधुनिक लैब। प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान। अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास। बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला।
एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी, सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। संपर्क करें इंजीनियर नवीन सिहाग। प्रिंस स्कूल एंड होस्टल चूरू, कक्षा 2 से 9 तक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय, NCERT सिलेबस के साथ सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवाने वाला एकमात्र डे बोर्डिंग स्कूल। हर क्लास में केवल 25 सीटें ही निर्धारित। 9 होमवर्क, 9 लंच बॉक्स पैटर्न पर स्कूल में संपूर्ण व्यवस्था। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जिला खेल स्टेडियम में 1 घंटे का खेल सत्र। तो चले आइए प्रिंस स्कूल एंड होस्टल चूरू, पूनिया कॉलोनी रेलवे क्रॉसिंग के पास, बिसाऊ रोड, चूरू। संपर्क करें डॉक्टर प्रताप सिंह। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति सरदार शहर के द्वारा आज कस्बे में तुलसी के पौधों का वितरण किया गया। समिति की संयोजक मोनिका सैनी ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता हेतु समिति के द्वारा 201 तुलसी के पौधों के सफल वितरण के बाद आज दूसरे चरण में 501 तुलसी के पौधों का निशुल्क वितरण किया गया। इस अवसर पर समिति के सह संयोजक भरत गौड़ ने बताया कि समिति के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ हर घर तुलसी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हमारी गांधी दर्शन समिति की तरफ से हमने पहले 200 तुलसी के पौध वितरण की थी, 200 आज कर रहे हैं और हमारा टारगेट पूरे 1500 तुलसी के पौध पूरे सरदार में देने की बात है। हमारा यही मकसद है कि घर घर में तुलसी हो और उसका उपयोग हो, जैसे कोरोना जैसी वायरस और ऐसी बीमारियां हैं वो नहीं आए। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति राज्य सरकार के द्वारा गठित एक ऐसी समिति है जो सामाजिक स्तर पर महात्मा गांधी के विचारों को पहुंचाने का कार्य कर रही है। ऐसी स्थिति में हमारे हर घर में तुलसी का पौधा हो जिसकी पूजा हम लोग करते हैं, तो उसी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण की एक संदेश देने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 2 चरणों में हम तुलसी वितरित कर चुके हैं, आगामी 1 चरण बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने का योजना है संस्था के द्वारा, ताकि हर घर में तुलसी का पौधा हो और एक सकारात्मक ऊर्जा समाज में और शहर में प्रवाहित हो सके। चूरू मुख्यालय पर आज ग्राम पंचायत सहायकों ने कार्यकाल बढ़ाने व वेतन संबंधी समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस मौके पर ग्राम पंचायत सहायक राजेंद्र कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायत सहायकों का कार्यकाल राज्य सरकार ने 7 मई 2020 को आदेश जारी कर बढ़ा दिया था, लेकिन ग्राम विकास अधिकारी आय नहीं होने का हवाला देकर 4 माह से वेतन का भुगतान नहीं कर रहे हैं और हाजिरी रजिस्टर में हस्ताक्षर से भी मना किया जा रहा है, जबकि अन्य कुछ जिलों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा वेतन भुगतान संबंधी आदेश हो चुके हैं। पंचायत सहायक संघ की तरफ से है, हमारा 4 महीने से नए तो मानदेय मिल रहा है और नए ही हमें कोई COVID-19 बीमारी के बाद कोई मानदेय अभी तक पास नहीं है और नए ही कार्यकाल वर्दी में कोई संतोषजनक जवाब मिला है, इसलिए कलेक्टर मोदी से एक बार पहले भी हम मिले थे और आज दोबारा इसको ज्ञापन दे रहे साहब कि हमारा मानदेय भुगतान किया जाए। आपका नाम? राजेंद्र कुमार। जिला मुख्यालय पर आज एथलीट तामसी सिंह की प्रतिभा में और निखार लाने के लिए भामाशाह हरफूल सिंह भामू द्वारा 2500 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की है। वहीं प्रथम किस्त के रूप में आज 2500 रुपये का लिफाफा जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे द्वारा हरफूल सिंह भांबू एवं जिला खेल अधिकारी ईश्वर सिंह लांबा की उपस्थिति में खिलाड़ी को भेंट किया गया। बच्ची है, ये राष्ट्रीय स्तर की एथलीट है और काफी गरीब घर से है। ये इसके जो साथी एथलीट है, हमें पता लगा इसका बायोडाटा का, हमने पता किया तो साथी एथलीट इसका मदद कर रहे हैं, उस हिसाब से ये अपनी प्रैक्टिस कर रही है, काफ़ी जुनून है इसके। तो एक दिन स्टेडियम में हरफूल सिंह जी भांबू की नज़र इसके ऊपर पड़ गई, इन्होंने कहा कि अगर इस बच्ची को ज़रूरत हो तो ये मदद कर देंगे। फिर इसका बारे में मैंने पता किया तो वास्तव में ज़रूरतमंद बच्ची है ये, तो हरफूल सिंह जी भांबू ने 2500 रुपये पर मंथ इसको देने की घोषणा कर दी, जब तक ये यहाँ प्रैक्टिस करेगी और बढ़िया इसका कोई भी कहीं दिक्कत नहीं आने देंगे। मैंने भी इसको 0.5 लीटर दूध रोजाना की घोषणा की है देने की, और कुछ भामाशाह जैसे ये हरी भालेरी वाला है उसने राशन की घोषणा कर दी कि इसको जो भी जरूरत का राशन होगा, चावल वगैरह, वो उपलब्ध करवाएंगे। रतनगढ़ में आज डॉक्टर RL चौधरी स्मृति सेवा संस्थान द्वारा चूरू रोड स्थित श्री परशुराम अतिथि भवन में श्रद्धांजलि सभा एवं अभिनंदन समारोह का आयोजन हुआ।
कार्यक्रम में तीन सामाजिक संस्थाओं व वाणिज्य संकाय में अव्वल प्रदर्शन करने वाले कक्षा 12 के 3 विद्यार्थियों का अतिथियों ने अभिनंदन किया। सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य अंबिका प्रसाद हरित की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में सेवानिवृत्त बैंक मैनेजर विश्वनाथ सोनी, एडवोकेट महावीर प्रसाद सिहाग, दुर्गाराम भारी मंचस्थ अतिथि थे तथा मुख्य वक्ता प्रोफेसर कल्याण सिंह चारण थे। जिला मुख्यालय के वार्ड संख्या 12 में स्थित कांग्रेस कार्यालय में आज चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के जन्मदिन को जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कोरोना संक्रमण पर बचाव के लिए जारी पोस्टर को बांटकर लोगों को कोविड-19 से जागरूक करने का काम किया। इस मौके पर कांग्रेस नेता जमील चौहान ने कहा कि देश व प्रदेश में कोरोना संक्रमण अभी टला नहीं है, यह बढ़ता जा रहा है, इसका बचाव ही प्रथम इलाज है। आज हमारे राजस्थान के लोकप्रिय चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का जन्मदिन जागरूकता दिवस के रूप में मनाया। देश और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते जाल को रोकने के लिए जनसंपर्क और सूचना विभाग द्वारा जारी पोस्टर जो बचाव उपाय है पर जारी किया गया था। आज के दिन को हमने चुना जन्मदिवस को, इसके ऊपर कार्यकर्ताओं ने इस कोरोना संक्रमण के बढ़ते जाल को रोकने के लिए आम कार्यकर्ता घर घर पोस्टर पहुंचाएगा, जागरूकता ही बचाव है, इस अभियान को आज के दिन के रूप में सभी कार्यकर्ताओं ने लिया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जिस तत्परता के साथ स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य के लिए गंभीर है, हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह रहेंगे। रतनगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत नोसरिया में पद स्थापित ग्राम विकास अधिकारी द्वारा कार्यालय में नहीं बैठने तथा निजी लोगों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने आज पंचायत समिति में विरोध प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। वहीं BDO दिनेश चंद्र मिश्रा ने ग्रामीणों की बात सुनकर कहा कि ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ विभागीय जाँच चल रही है, दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं हर गुरुवार को पंचायत मुख्यालय पर बैठने के लिए पाबंद कर दिया गया है। विक्रम सिंह के नेतृत्व में किए गए विरोध प्रदर्शन में अनेक ग्रामीण मौजूद थे। गांव वाले परेशान हो रहे हैं, आपकी जांच तो 15 दिन तक चलती रहेगी, 20 दिन तक चलती रहेगी, वो कपलावा जी को बार बार हो रहे हैं। एक मेट है वो अपने रजिस्टर्ड तो करवा रखा है उसने अपने। अच्छा, और ग्राम सेवक आप बोल रहे थे 3 दिनों में आपको 3 दिन देगा। अब वक्त हो चुका है एक अंतराल का। श्रीमती केसर देवी सोती उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर चूरू। चूरू शहर का संस्कार में वातावरण देने वाला एकमात्र विद्यालय, जिसमें विज्ञान, कला एवं वाणिज्य वर्ग के प्रभावी शिक्षण की प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा उत्तम व्यवस्था। हमारा आधार स्वच्छता एवं संस्कारक्षम वातावरण, प्रभावी वंदना सभा, अभिभावक संपर्क, शुद्ध एवं सुंदर लेख, छात्र व आचार्य दयानंदनी का प्रभावी उपयोग, प्रभावी शारीरिक योजना, संस्कार केंद्र, पुस्तकालय, शिशु वाटिका एवं कंप्यूटर शिक्षा, विद्या भारती के आधारभूत विषय नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा, योग, संगीत, संस्कृत, शारीरिक शिक्षा। हमारे आयाम विद्वजन परिषद, शोध परिषद, संस्कृत बोध परियोजना व पूर्व छात्र परिषद, इसके साथ सुगम वाहन सुविधा एवं विशाल विद्यालय परिसर। प्रवेश प्रारंभ। संपर्क करें श्रीमती केसर देवी सोती आदर्श विद्या मंदिर, कृषि उपज मंडी के सामने, रतनगढ़ रोड, चूरू। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। चूरू मुख्यालय पर आज वार्ड नंबर 55 के भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर पंचमुखी बालाजी मंदिर से भाईजी चौक तक जो CC रोड का निर्माण कार्य रुका हुआ पड़ा है उसे प्रारंभ करवाने की मांग की है। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि पंचमुखी बालाजी मंदिर से भाईजी चौक तक की CC रोड नगर परिषद द्वारा टेंडर कर ठेका दिया गया है, जिसका वर्क ऑर्डर भी हो चुका है, लेकिन सड़क का काम आज तक चालू नहीं हुआ, जिसकी वजह से वार्डवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला मुख्यालय पर आज सावन के चौथे सोमवार के अवसर पर शहर में स्थित विभिन्न शिवालयों में भगवान शिव की पूजा अर्चना कर देश की खुशहाली की कामना की गई। गंगा माई मंदिर के पुजारी भरत कुमार दीक्षित ने बताया कि आज सुबह से ही शिव भक्तों ने भगवान की दुग्ध व जलाभिषेक से पूजा अर्चना कर देश को जल्द से जल्द कोरोना से मुक्ति की कामना की गई। भरत कुमार पुजारी आज श्रावण का चौथा सोमवार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसमें लॉकडाउन का पालन करते हुए शंकर भगवान की पूजा अर्चना की। वहीं सरदार शहर में भी आज कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए भक्तों ने सावन के चौथे सोमवार को भगवान शिव की पूजा अर्चना की। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने शिवालय में रुद्राभिषेक कर वैश्विक महामारी से निजात दिलाने की भगवान से कामना की।
इस अवसर पर सब्जी मंडी में स्थित श्री रघुनाथ मंदिर शिवालय में शिवलिंग का फूलों से श्रृंगार किया गया। प्रतिभा नगर के द्वारा आज चूरू के निकटवर्ती गांव आसलखेड़ी गांव में स्थित जीण माता मंदिर परिसर में पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। टीम संयोजक देवेंद्र जोशी ने बताया कि विश्व पर्यावरण दिवस से आरंभ गाछ अभियान के तहत अब तक 3000 पेड़ पौधे लगाए जा चुके हैं, वहीं यह अभियान निरंतर आगे भी जारी रहेगा। आज चूरू के निकटवर्ती गाँव आसलखेड़ी में टीम प्रतिभा नगर द्वारा जीण माता मंदिर में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस से आरंभ गाछ अभियान के तहत अभी तक टीम ने लगभग 3000 पेड़ पौधे लगा दिए हैं। टीम का उद्देश्य चूरू में वन क्षेत्र को बढ़ाने के साथ साथ जन जन को पर्यावरण संरक्षण की मुहिम से जोड़ना है और काफ़ी बड़ी संख्या में शहरी और ग्रामीण युवा टीम के साथ जुड़ रहे हैं, जो बेहतर भविष्य और अभियान की सफलता के संकेत हैं। मैं चूरू के सभी नागरिकों का इस मुहिम में सफलता की संभावना के साथ धन्यवाद देता हूं। चूरू के राजकीय बागला उच्च माध्यमिक विद्यालय की हिंदी व्याख्याता प्रीति सामोर को अखिल भारतीय चारण गढ़वी महिला महासभा की राजस्थान इकाई की प्रदेश उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। महासभा की प्रदेश अध्यक्ष अरुणा कंवर ने बताया कि सामोर की प्रतिभाशाली नेतृत्व क्षमता और योग्यता को देखते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है। भादरा में आज फीस माफ करने की मांग को लेकर SFI तहसील कमेटी के नेतृत्व में शहर के चौधरी परमाराम गोदारा कृषि महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने विरोध प्रदर्शन कर उच्च शिक्षा मंत्री के पुतले का दहन किया। वहीं इस दौरान विद्यार्थी नारेबाजी करते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे व उपखंड अधिकारी को उच्च शिक्षा मंत्री के नाम अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। चूरू के निकटवर्ती गांव दांदू के राय सिंह राठौर ने 1 बीघा जमीन नव सृजित ग्राम पंचायत दांदू में ग्राम पंचायत भवन बनाने के लिए दान की है। आज ग्राम पंचायत घांगू के कार्यालय में वर्तमान प्रशासक एवं ग्राम विकास अधिकारी ओम प्रकाश शर्मा और पटवारी महेंद्र सिंह लांबा को राय सिंह दांदू ने अपनी दान की गई 1 बीघा जमीन के कागजात ग्रामवासियों के साथ सौंपे। नव सृजित ग्राम पंचायत दांदू, जो राज्य सरकार ने अभी नई पंचायत का गठन किया है, उस पंचायत में ग्राम पंचायत दांदू है, उसके लिए भूमि आवंटन के लिए राज्य सरकार से प्रस्ताव लंबित था कि आप नई भूमि नई पंचायत के लिए भूमि आवंटन करवाएं। तो ग्राम दांदू के ही श्री राय सिंह जी राठौड़, समाप्त स्वर्गीय श्री रणजीत सिंह जी राठौड़, जिन्होंने गांव के अंदर ही गांव के बीच में अपनी बेशकीमती ज़मीन जो इनके नाम से थी, उन्होंने 1 बीघा ज़मीन ग्राम पंचायत दांदू के लिए कार्यालय के लिए उपयोग के लिए इन्होंने निःशुल्क दान दी है। इनका मैं बहुत ही आभारी हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैं ग्राम विकास अधिकारी ओम प्रकाश गौड़ ग्राम पंचायत पंचायत बनी है, उसमें जगह का अभाव था, राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव 2-3 बार आ चुका था। मैंने अपने निजी 1 बीघा जमीन गांव के बीच में पक्की थी, वो ग्राम पंचायत दांदू को ग्राम विकास के लिए और सभी ग्रामवासियों के विकास हेतु सोचा और मेरे माता पिता के याद में स्मृति में वो 1 बीघा जमीन है, वो मैंने दान कर दी। सरदार शहर के सवाई छोटी गांव में स्थित चामुंडा मंदिर गौशाला में रविवार रात को एक 17 वर्षीय युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस सूत्रों के अनुसार मध्य प्रदेश का बुदिनी गांव का सत्येंद्र मिश्र अपने मामा के साथ पिछले 3 साल से चामुंडा मंदिर में रह रहा था तथा कर्मकांड की पढ़ाई कर रहा था। एक लड़का जो मध्य प्रदेश का है, अपने मामा के पास यहाँ सवाई छोटी में चामुंडा मंदिर में रहता है, तो उसने फांसी खा ली। वहाँ मौके पहुँचे, बॉडी को हॉस्पिटल ले आए, रखवा दिया मोहतरी में, पोस्टमार्टम जारी है। बॉडी एसपी मध्य प्रदेश उसके गांव जाएगी, जो उसकी रसीद वगैरह की जाएगी। सरदार शहर में हुई तेज बारिश के कारण मुख्य बाजार, सब्जी मंडी, शिव मार्केट सहित निचले इलाकों में पानी भर गया, जिसके कारण आवागमन बाधित हो गया। तेज बारिश के कारण कई दुकानों में पानी भर गया, जिसके कारण व्यापारियों को नुकसान का सामना करना पड़ा। वहीं बारिश के कारण किसानों के चेहरे खिल गए। अधिकतर किसान अपने खेत में बुआई का कार्य कर चुके हैं और अब बारिश होने से फसलों को काफी फायदा होगा।
सरदार शहर में आज पंचायत समिति परिसर में निर्मित दुकानों का किराया माफ करवाने के लिए दुकानदारों ने अपनी दुकानों को बंद कर प्रदर्शन किया। इस दौरान स्थानीय दुकानदारों ने कहा कि लॉकडाउन के चलते हमारा व्यापार चौपट हो चुका है, जिसके चलते हम किराए देने में असमर्थ हैं, लेकिन पंचायत समिति द्वारा किराए में वृद्धि कर दी गई है, जिसके चलते हमें परेशानी हो रही है। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। श्रीमती केसर देवी सोती उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर चूरू, चूरू शहर का संस्कारमय वातावरण देने वाला एकमात्र विद्यालय, जिसमें विज्ञान, कला एवं वाणिज्य वर्ग के प्रभावी शिक्षण की प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा उत्तम व्यवस्था। हमारा आधार स्वच्छता एवं संस्कारक्षम वातावरण, प्रभावी वंदना सभा, अभिभावक संपर्क, शुद्ध एवं सुंदर लेख, छात्र व आचार्य दयानंदनी का प्रभावी उपयोग, प्रभावी शारीरिक योजना, संस्कार केंद्र, पुस्तकालय, शिशु वाटिका एवं कंप्यूटर शिक्षा, विद्या भारती के आधारभूत विषय नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा, योग, संगीत, संस्कृत, शारीरिक शिक्षा। हमारे आयाम विद्वजन परिषद, शोध परिषद, संस्कृत बोध परियोजना व पूर्व छात्र परिषद, इसके साथ सुगम वाहन सुविधा एवं विशाल विद्यालय परिसर। प्रवेश प्रारंभ। संपर्क करें श्रीमती केसर देवी सोती आदर्श विद्या मंदिर, कृषि उपज मंडी के सामने, रतनगढ़ रोड, चूरू। प्रिंस स्कूल एंड होस्टल चूरू, कक्षा 2 से 9 तक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय, NCERT सिलेबस के साथ सैनिक नवोदय, मिलिट्री, स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवाने वाला एकमात्र डे बोर्डिंग स्कूल। हर क्लास में केवल 25 सीटें ही निर्धारित। 9 होमवर्क, 9 लंच बॉक्स पैटर्न पर स्कूल में संपूर्ण व्यवस्था। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जिला खेल स्टेडियम में 1 घंटे का खेल सत्र। तो चले आइए प्रिंस स्कूल एंड होस्टल चूरू, पूनिया कॉलोनी रेलवे क्रॉसिंग के पास, बिसाऊ रोड, चूरू। संपर्क करें डॉक्टर प्रताप सिंह। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य सुधारना, तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप से 12th इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर की अत्याधुनिक लैब। प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान। अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला। अकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी। सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। संपर्क करें इंजीनियर नवीन सिहाग।